हेलो एवरीबॉडी, दिस आर अब्बास एंड यू आर वाचिंग गोहा। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिलहाल हम हैं यहाँ पर इनॉग्रेशन, ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ आइसक्रीम वर्क्स एंड ब्रू बेक्स। जी हाँ, ब्रू बेक्स नाम की एक चाइनीज एज वेल एज कॉफी शॉप यहाँ पे ओपन हो चुकी है, एंड उसे इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल मेयर शरण कुमार मोदी जी यहाँ पे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, मोदी जी यहाँ पर एक बुक पढ़ रहे हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है, वाईफाई है यहाँ पे, फ्री बुक रीडिंग है, इंडियन सिटिंग का यहाँ पर मौका है, लाइव म्यूजिक यहाँ पे अवेलेबल है। मोदी जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन कलबुर्गी, योर थॉट्स ऑन दिस? फर्स्टली आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट मिस्टर हरविंदर भाटिया, माई फ्रेंड who opened today the brew bakes, the cafe. आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त हरविंदर भाटिया, जो नया कदम उठाए, जो गुलबर्गा आज डेवलपिंग सिटी है, उस हिसाब से आज हम बॉम्बे में देखते, बेंगलोर में देते, जो कैफेस है वही माहौल आज गुलबर्गा में ऐसे इन्होंने इनॉग्रेट किया है। मेरे साथी दोस्त, मेरे भाई जिला पंचायत सदस्य दिलीप पाटिल जी भी मेरे साथ है, वर्क्स कमेटी चेयरमैन मुबीन अहमद और मेरे दोस्त जयवर्धन अम्बली, हम सब साथ में आके इसका उद्घाटन किया है। मैं आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक चाइनीज रेस्टोरेंट जो कैफे बोल के है, यहाँ पे आप पिज्जा, बर्गर, मोमोज, न्यू वेराइटीज ऑफ देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस आर अब्बास एंड यू आर वाचिंग गोहा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम हैं इनॉग्रेशन पर आइसक्रीम वर्क्स, जो कि एक आइसक्रीम शॉप है, साथ साथ ब्रू बेक्स जो कि एक कॉफी शॉप है, एंड इट हैज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट सेल्फ। जी हाँ, कॉफी शॉप भी है और चाइनीज रेस्टोरेंट भी है, ब्रू बेक्स जो कि ओपन हो चुकी है ओल्ड जियोर की रोड पर। एंड दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द गुलबर्गा, इफ यू आर ए यंगस्टर्स, youngsters I mean not only by physical appearance but also by heart and by mind, अगर आप बच्चे हैं, आप यंग जनरेशन के हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि ना आपका मन करता है, आप दिमाग से भी और आपकी सोच भी वैसी है, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर यहाँ पर आइएगा। यहाँ की डाइनिंग, आपकी यहाँ की चाइनीज और यहाँ की जो बेकरीज आइटम्स हैं एज वेल एज आइसक्रीम है, जरूर टेस्ट कीजिएगा। जब भी कोई रेस्टोरेंट खुलती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि क्या वो फैमिली के लिए है या नहीं, तो मैं यहीं से पूछता हूँ, सारे लेडीज यहाँ पे मौजूद हैं, मैम क्या लगता है, इज इट फॉर फैमिली, कंप्लीट फैमिली के लिए है? या नेचुरली फैमिली के साथ हम आ सकते हैं, इवन यंगस्टर्स, हमारे बच्चे जो फैमिली छोड़ के कहीं नहीं निकल सकते थे, आई फेल्ट वेरी वाव, वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं जब भी सिटी जाती थी, देखती थी, सपना बोलती थी काश हमारे गुलबर्गा में आ जाए, तो मैं भाटिया फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स बोलती हूँ। Look, I feel I'm not old. Seeing this, you'll feel not you are not still old. Exactly. You are naturally young and you can enjoy your life. हमारे साथ फिलहाल वक्त दे रहे हैं डॉक्टर आलोक पाटिल, हु इज आल्सो द ब्रदर ऑफ अपू गोड़ा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ आइसक्रीम वर्क्स एंड क्रू बेक्स, द सेटअप हैज बीन वेरी फैंटास्टिक एंड इट इज द नीड ऑफ गुलबर्गा पीपल टुडे, सिंस ऑल द फैमिलीज अलॉन्ग विद द किड्स एंड ऑल गो टू द मेट्रोपोलिटन सिटीज वेर दे ट्राई टू फाइंड लिटिल हैप्पीनेस, सो दैट थिंग वॉज नॉट अवेलेबल इन गुलबर्गा। I think so the management has done an excellent job by providing an opportunity. Right. As one says that money can't buy happiness, exactly. But ice cream does. Exactly. Yeah. Well, I've caught up with the man behind this wonderful venture, Pradeep, who is here. Pradeep ji, youngsters ke liye kafi achhi jagah hai, humne khud dekha hai. Any advices for our viewers? Sir, hum Gulbarga mein cafe ka trend chalu hai. लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, वी हैव एडेड चाइनीज मेन्यू टू दिस। चाइनीज मेन्यू हमारे गुलबर्गा में मिलता है, काफ़ी कॉमन मिलता है, लेकिन दिस इज ऑथेंटिक चाइनीज, तो ये मतलब आपको टेस्ट मिलेगा विदाउट कलर्स, हम कलर्स यूज नहीं करना चाहते, मतलब हेल्दी तो हेल्दी चीज जो हम दे सकते हैं चाइनीज में, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट, गेटिंग द लाइव म्यूजिक कंसेप्ट इन गुलबर्गा।
क्योंकि ये मेट्रोज में काफ़ी है, अगर आपको हमको पता होगा तो मेट्रोज में हम काफ़ी ये चीज़ का ट्रेंड है। तो एवरी सैटरडे संडे यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होगा, अद्वित बैंड के साथ हमारा टाई अप है और बाकी फ्री वाईफाई का हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। Yeah, so he's the one who brought us here and who made this wonderful evening to happen, right? Giving a round of applause for Pradeep and his family for such a out of blue, what do you call, thinking, right? It's a very, original and very new thing in Gulbarga, which is happening in Gulbarga. And even he invited us to perform here, that was also a very new thing. So such innovations should take place. ब्रू ब्रेक्स की ओपनिंग है यहाँ पर, वक्त देने के लिए कुड़ा चेयरमैन डॉक्टर अजहर चुबर साहब हैं। अजहर साहब, भाटिया जी के लिए क्या कहें? मैं सबसे पहले भाटिया जी एंड फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जेवरगी रोड मेन रोड पर आज उन्होंने एक आइसक्रीम वर्क्स और एक ब्रू ब्रेक के नाम से ये कॉफ़ी सेंटर और आइसक्रीम सेंटर खोला है। और मैं अभी वहाँ से आइसक्रीम वर्क से इधर आया तो काफ़ी बहड़ी शहर के नामचीन शख्सियतें और अच्छे फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी उनमें उत्साह है, जिसकी वजह से भाटिया जी और उनकी फैमिली ने इसको यहाँ फुलफिल किया है और लोग काफ़ी खुश हैं। अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि मैंने कहा कि नाम भी अच्छा है और हमारे भाटिया जी का एक अच्छा नाम भी है शहर में, शगुन साड़ी सेंटर के नाम से वो सुपरमार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक उनका एक नाम उन्होंने शहर में दिया है। देवल खानगापुर ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट मेरे साथ महेश गुत्तेदार साहब इस ओपनिंग में शामिल हैं। महेश साहब, इस ओपनिंग के बारे में बताइए और आपके करीबी दोस्त प्रदीप साहब के बारे में एक फ्यू वर्ड्स। प्रदीप जी मेरे से बीबीएम क्लासमेट थे, बीबीएम से जी। सो जब से ही उनका बिजनेस माइंडेड था तो हम पढ़े भी वही है, बिजनेस पढ़े से वही है। सो पहले से उनका क्या प्लान था मालूम है, बहुत सीक्रेट से रखे थे। और ये इतना अच्छा इतना बढ़िया करे, हम लोगों खुद सरप्राइज हो गए सब फ्रेंड्स। अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो एक मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आज की डेट में गुलबर्गा में उनका नाम है, उनके सपोर्ट से ही बस हम आगे, ये उनका एरिया है ये एक्चुअली, उनका घर नजदीक ही है, उनके सपोर्ट से हम आगे। आई लव आइसक्रीम वर्क्स। थैंक यू सो मच।